कितने ही तमाचे चला लो, कितने ही सियाइयां फेंक लो, लेकिन हालात तुम्हारे खराब है। जनता सवाल कर रही है तुम्हारी, मैं उससे मैडम से क्या कह रही है, सोई थी रानी 13 रुपए किलो चीनी कभी मिलेगी। ये गुमराह करते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं बीजेपी वाले। मोदी जी 15 साल तक राज करेंगे और जो सरकारी युवा मिलिट्री लग के वो 4 साल के लिए अपने घर में बूटे बना के हर गांव हर गली हर मोहल्ले का पास तेरी तानत सही नहीं चलेगी। अरविंद सिंह चोर तू नहीं चलेगा। मणिपुर के हालात पर नहीं बोले, अभी दिल्ली में पहलवान बैठी उस पर नहीं बोले, और अभी जो वो था कौन था उसके प्रचार कर रहे। ऐसे युग में गांव माता को पूछते हैं, देश की जनता देख रही है ये तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं, देश के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इन्होंने जो जनता से वादे किए थे 10 साल पहले, एक वादा भी पूरा नहीं करा है। मेरे देश की जनता को ठगा है कई बार। को क्या महंगाई लग रही है, आप घर में बैठे? अरे घर में महंगाई दुनिया को लग रही महंगाई, घर में फिर राशन क्या चीज है? अरे पैसे से दो राशन, 2 रुपए किलो चावल है, 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल, क्यों दे रहा तुम पैसे से? ले क्यों रहे हैं? हम नहीं लेते, हम तो लेते ही नहीं है, हम तो मतलब 80 करोड़ का दे रहा था, आप भी तो 80 करोड़। मैं 80 करोड़ में मैं नहीं लेता, लेते 2014 में जिस दिन बीजेपी आई थी जब करी थी 80 करोड़ जनता को हम राशन देते हैं, देते ना, सुनो मेरी बात, राशन देते हैं। उसके बाद 5 साल बीत गए फिर भी 80 करोड़, फिर 10 साल बीत गए फिर भी 80 करोड़। इसने विकास क्या किया? गरीबी कहाँ निकाली देश की? जब 80 करोड़ लोग इस देश में भुखमरी के कारगर पर हैं, देश विकास कैसे कर रहा है बताइए? दंगा नहीं बज रहा प्रधानमंत्री, किस चीज का दंगा बज गया वही तो बताइए, किसका दंगा बज गया है? आवाज नहीं सुना। किसान बेहाल, पहलवान बेहाल, युवा बेहाल है, सारे जो हरियाणा के अंदर जो प्रधान बने थे चुनाव के तहत मुसलमानों को जमीन दे देंगे कांग्रेस वाले, सुनो उनका हक छीन लिया, उनकी पावर छीन ली गई है। जब चुनाव के तहत वे प्रधान बने हैं उनका पूर्ण अधिकार है गांव के विकास के लिए, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले मुसलमानों को जमीन दे देंगे। ऐसा कभी नहीं दी, ऐसा कभी नहीं है। ये गुमराह करते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं बीजेपी वाले, आज से कभी नहीं दिया ना होगा आज तक भी। अरे प्रधानमंत्री बात क्या है, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? यो जो 4 साल की यो योजना बनाई, अग्निवीर योजना चलाई है, बेचारा युवा पढ़ लिख के 4 साल के लिए फौज में भर्ती होएगा, फिर 4 साल बाद वो क्या करेगा? भुट्टे बुनेगा। मोदी जी 15 साल में राज करेंगे, 74 साल के मोदी जी 15 साल तक राज करेंगे, और जो सरकारी युवा मिलिट्री लग के वो 4 साल के लिए अपने घर में भुट्टे बुनेगा के चोरी करेगा। मीडिया के बारे में क्या बोलेंगे? मीडिया के बारे में क्या बोलेंगे? मोदी के सामने मीडिया झुकी पड़ी है, सब समझ, मीडिया सब झुकी हुई है। कौन मीडिया? आप लोग और कौन लोग? आप लोग हम तो आपको दिखा रहे हैं। नहीं क्या दिखा रहे हो? आप लोग भी बिके हुए हो, अब इसमें कोई दो राय ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इस देश के अंदर मैं 45 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, 1 रुपए की 4 रोटी आती थी, आज देखो ना कितनी आवा है। तो 45 साल पहले ना है, 45 साल पहले इसमें दिल्ली में क्या था? कांग्रेस के कार्यकाल के श्रीमती शीला दीक्षित ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रोड, एलिवेटेड रोड, पुल, फ्लाईओवर, पूरी तमाम दिल्ली को सुधार दिया शीला दीक्षित ने। नाम चेंज कौन कर रहा है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। यहाँ के सांसद अपने ढकार मार के बैठ गए। पहले ये आया था हंसराज हंस, 370 खत्म कर दिया। 370 में जाओ ना, वहाँ घर बना लो ना, है बना लो, तुम रह लो 370 रह के, क्या क्या फायदा उसका? बीजेपी वाले प्रचार करते हैं ना, करते क्या क्या झूठे प्रचार? नई संसद बनाइए, काय के लिए बनाई? बैठने के लिए, जब पुरानी क्या देते हैं, पुराने बूढ़े भी निकाल दो हिंदुस्तान से, क्या समझ लगा? ये बहुत बड़ी बात कहते हैं, पुराने बूढ़े हिंदुस्तान में जो हैं वो आज तो टीके से मार दिए, और आगे अब जो बूढ़े हो रहे हैं उनको भी मार दो। तो बूढ़े चले जाए, मोदी जी तो युवा है।
तो वो कहाँ से 75 साल में वो भी रिटायर हो जाएंगे, 75 साल के अंदर वो भी रिटायर हो जाएंगे। उनको तो रखना ही नहीं है, उनका जो गोली दूसरा बांध के हरिद्वार भेज दो। मोदी जी को तो बस यही क्या, अपनी गंठमाला पकड़ लेवे और हरिद्वार जावे और वहीं शंकर जी की पूजा करे और अपना राम मंदिर तो आपके लिए बनवाया है, हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं है। शुरू से कांग्रेसी हम भट रख गए थे कि हमने मोदी को वोट दिए, हमारी आकर फिर भूखे हम भूखे थे, अब हम फिर अपना जीत गए। अरे इंडिया गठबंधन का जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, यहाँ से रिंकी का पापा जा रहा है, 400 हाथ और हर गांव हर गली हर मोहल्ले का पापा। तेरी तानत सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सिंह चोर तू नहीं चलेगा। अरे सुनो, अभी पहले मणिपुर के हालात पर नहीं बोले, अभी दिल्ली में पहलवान बैठी उस पर नहीं बोले, और अभी जो वो था कौन था जिसका जिसका चुनाव में गए थे उसके प्रचार कर रहे ऐसे युग में को मतलब पैसा लेते के डराने से डर जाएंगे। 4 तारीख को फैसला होगा कि किसकी जीत होगी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 400 पार नहीं, 400 पार में से 1 जीरो हटा दीजिए उतना ही बचेगा, 400 में से 1 जीरो हटा दीजिए बचेगा उतना ही, आपको भी पता है। मार खा रहे हैं, मार खाने से कुछ नहीं होगा, नहीं थप्पड़ मारा है कोई बात नहीं, एक और मार लो, एक मेरे भी मार लो, कुछ नहीं, जितने थप्पड़ मारोगे उतना ही ज्यादा काम बढ़िया बनेगा। देखो देश की जनता देख रही है कि ये तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं, देश के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इन्होंने जो जनता से वादे किए थे 10 साल पहले, एक वादा भी पूरा नहीं करा है, मेरे देश की जनता को ठगा है कई बार। गाना है आपके लिए? गाना है? हाँ, गाना क्यों नहीं है, गाना अखिलेश के लिए। मोदी जी आप जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन आने वाला है, जो जोर लगे लगा लो, कितने ही रैपट चला लो, कितने ही तमाचे चला लो, कितने ही सियाइया फेंक लो, लेकिन हालात तुम्हारे खराब है। जनता सवाल कर रही है तुम्हारी, मैं उससे मैडम से क्या कह रही है, पापा वहाँ रुकवा रहे, सोई रानी 13 रुपए किलो चीनी कभी मिलेगी, पापा वहाँ रुकवा रहे, वहाँ रुकवा रहे, जंग रुकवा, बाबा वहाँ रुकवा रहे। अबे यार एक बात तो बताओ, ये मणि पूरा देश जला डाला इन्होंने, कश्मीर इन्होंने जला डाला, मणिपुर इन्होंने जला डाला, देश के कई प्रदेश इन्होंने चला डाले। यार कहाँ एक देश की तरक्की करवा रहे, क्या करवा रहे, तोड़ तोड़ कर सरकार बना ली, ये लोग मालीवाल वाला मामला आपने सुना होगा, उनके साथ मारपीट हुई है, वही इंडिया गठबंधन के साथी है केजरीवाल, उनके यहाँ मारपीट हुई आवाज में, किसने करी है, उनके पीएन है केजरीवाल के पीएन है, ये सब बीजेपी वाले करते, ये बीजेपी वालों की चाल है सब, चाल क्या वो दिखा, ये बीजेपी वालों की चाल है यार, अपने लोग भेज देते हैं, हंगामा उनसे करा देते, नाम मेरा ले देते हैं, तन्वीर भारती ऐसा कर दिया, आम आदमी पार्टी से है भाई, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, ये सब उन्हीं की चालें हैं, हमारे लोगों को बहका रहे हैं,
किसको पैसा दे के बहका ले रहे, किसी को किसी ढंग से बहका ले रहे, आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हम हार रहे हैं देश में बुरी तरह। लेकिन बदनाम तो इंडिया गठबंधन ही हो रहा है, काहे में हो रहा है इसी मामले में। अरे करने दो ना, मेरे ऊपर कितना भी कीचड़ फेंको, मेरे ऊपर जितना कीचड़ फेंकोगे मैं उतना साफ कर लूंगा। हालात बदलने वाले हैं, सारी बीजेपी की हरकतें हैं, सब बीजेपी के लोग हैं। इतिहास रिपीट होगा, पिछली बार एक बात तो बताओ मुझे, बीजेपी सरकार का 10 साल का एक काम बता दो, यहाँ से क्या मिला ये पूछ लो, मनीष सिंह के यहाँ से क्या मिला बताओ, मनीष के यहाँ से क्या मिला, संजय सिंह के यहाँ से क्या मिला पिछली बार बताओ, केजरीवाल के यहाँ से क्या मिला बताओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।